नमस्कार भाइयों, मैं निकिता बना राजकीय डूंगर महाविद्यालय से आप सभी को मेरा नमस्कार। जो भी सब मेरे को लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप सभी मेरा साथ दें। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले दो साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, NSVI के लिए दावेदार हूँ, लेकिन कोई भी सबने साथ दिया शुरू में, लेकिन अब सब अंतिम मोड़ पे यहाँ पे लाके मेरे को यहाँ पे बीच दुराए पे छोड़ दिया है कि अब आप अकेले लड़ो। मैं दावेदार थी NSVI की, लेकिन अब मेरे को NSVI ने टिकट नहीं दी, तो अब मैंने निर्दलीय पर्चा भर दिया भाइयों। और निर्दलीय पर्चा इसलिए भरा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी मेहनत कितनी रंग लाएगी। सबने साथ छोड़ दिया, इसलिए मैं सबके सामने वापस आई हूँ। मैंने ये इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि वो हर बार डर जाते हैं, इसलिए वो आगे नहीं आते हैं, उनको सब बहका देते हैं, लेकिन हम इस बार किसी के बहकावे में नहीं आए और हम मैदान में इस बार उतर गए। तो सभी कोई कुछ बोल रहा है, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है भाइयों कि आप सब मेरा सहयोग करें, आप सब मेरे को वोट करें। और मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सबको पता है कि मैंने और मेरे भाई रोहित ने हमने कितनी मेहनत की है कॉलेज में। आप सबको पता है हम जी जान से एडमिशन होते हैं, तो अगर कोई सार्वजनिक वहाँ पे काम होते हैं तो हम हमेशा आगे आगे रहते हैं। हमें जो भी कहता है कॉलेज में हम वैसा ही काम करवाते हैं। आप सबको पता है हमने कॉलेज की कैंटीन के लिए जैसे हमने पंखे लगवाए थे, तो और ग्राउंड है जो गर्ल्स छात्रावास का उसमें हमने मिट्टी डलवाई थी। तो मैं ऐसे प्रयास करना चाहती हूँ जिससे हमारा कॉलेज आगे आए। और जो ये बात रहती है इनकी, जो सभी कहते हैं कि डूंगर कॉलेज का जो इलेक्शन है वो पैसों से लड़ा जाता है, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि कोई भी चुनाव पैसे से लड़ा जाता है। अगर वो कह रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, वो ये क्यों नहीं सोचते वही पैसा हमारा जो डूंगर कॉलेज है, डूंगर कॉलेज जर्जर हो रखा है, कब वहाँ पर प्लास्टर गिर रहा है, वहाँ पर पंखे गिर रहे हैं, वहाँ पर लैब की बिल्कुल भी कोई भी व्यवस्था नहीं है लैब की, लेकिन कोई ये सब नहीं देख रहा। कोई सब अपने अपने चुनाव आते हैं जब सब यूं बोलते हैं कि हाँ हम वादे पूरे करेंगे, लेकिन कोई अपना वादा पूरा नहीं करता। सभी कॉलेज में चुनाव के टाइम आते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने इतने रुपए लगाते हैं चुनाव में, कोई 20 लाख, कोई 40 लाख, बहुत रुपए लगाते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कॉलेज के लिए कुछ करवाया? आप ये सोचते होंगे इसने खुद ने करवा दिया तो ये हमें बता रही है, बता नहीं रही। मेरा वो मैंने अपने कॉलेज के लिए कोशिश की है। लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस कॉलेज की व्यवस्था सब कुछ, उन्हें सारी फैकल्टीज अच्छे से मिलती है। और यहाँ पे बच्चे बहुत मतलब कम आते हैं, सभी बोलते हैं कॉलेज के बारे में, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देते हैं कि आपके कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप बातें कर रहे हो। तो वैसा हमारा कॉलेज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब हम साथ दे रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता हमारा कॉलेज ऐसा? डूंगर कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है और उस कॉलेज में मतलब कई व्यवस्थाएं ऐसी है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनको मिलनी चाहिए, सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती है। क्यों? सारी व्यवस्था की कमी है। हम सारी व्यवस्थाएं करवाने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहे हैं, कभी कोई कमी नहीं रखी है। पर आपको भी पता है कि सब हमें मतलब ना मैंने ना रोहित ने कभी हमने कभी बड़ी राजनीति खेलने की नहीं सोची, हमने सिर्फ कॉलेज में आके कॉलेज के लिए कुछ करने का सोचा। लेकिन लोग जो बड़ी राजनीति कर रहे हैं उन्होंने एक सब गेम बना के रख रखा है इस चीज़ को कि ये खेल है, ये इसमें फंस जाएं। लेकिन मेरा मतलब आपसे
हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप हमारी मेहनत को देखें, हमने क्या किया है वो देखें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि हमने कभी कोई गलत नहीं किया है, हमने हमेशा संगठन का साथ दिया है। लेकिन जब संगठन ने साथ छोड़ दिया तो हम अकेले निकल पड़े इस रास्ते पे, अकेले निकल पड़े हम इस रास्ते पे। क्यों? क्योंकि हमें लगा था हमने जिनका सपोर्ट किया है वो हमारे साथ है। हमें हमें इतना भरोसा है सब पे, जो आप सभी लाइव वीडियो देख रहे हो, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम सब पे भरोसा है हमें कि वो हमें जरूर जीत दिलवाएंगे। हमने सभी से, सब पर से आस छोड़ दी है। पूरे सोशल मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है भैया कि मतलब आप मेरी हेल्प करो। अब मेरी हेल्प करने वाला और कोई नहीं है, मैं और रोहित दो, सिर्फ दो बच्चे हैं मैदान के अंदर। सब सब अपने अपने जगह चले गए, किसी को कोई मतलब नहीं रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे कॉलेज के लिए बहुत, इस कॉलेज में आके बहुत कुछ करूँ। मुझे बड़ी राजनीति नहीं करनी है, मैं कॉलेज में राजनीति करने के लिए आई नहीं हूँ। मुझे जब कॉलेज में आई थी मैं, तो मेरे को ये नहीं था कि मैं सिर्फ राजनीति करूँ। मेरे को राजनीति नहीं करनी, मैं सिर्फ कॉलेज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मैंने जितना किया है वो मेरे मन से किया है, मैंने कोई राजनीति में आने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं कोई, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ये सब मतलब राजनीति में आने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको बता दूँ, मैंने और रोहित ने ये कोई राजनीति में आने के लिए नहीं। मैंने ये सब कॉलेज कॉलेज की व्यवस्थाएं कॉलेज के लिए ही इतना मैंने कॉलेज के लिए किया है, कॉलेज में आने के लिए इतना किया है। अब आप बता दो कि सभी कह रहे हैं, कोई गलत कह रहा है, हम कहाँ गलत है आप बता दो। आप जो भी हो, आप सब जानते हो कि हमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। फैसला आपके हाथ में होगा भाइयों, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब आपसे मेरा इतना ही अनुरोध करूंगी भाइयों कि आप सब मेरे साथ हो और मेरे को साथ दो। मेरे को साथ की जरूरत है। जो लोग छोड़ गए वो सब पैसों के लिए छोड़ गए, और वो इसलिए छोड़ के चले गए, उन्होंने ये बोला कि आपके पास पैसे नहीं है। तो सब कुछ पैसा ही होता है क्या? और कुछ नहीं होता? मतलब लोग संघर्ष नहीं देख रहे, लोग हमारी मेहनत नहीं देख रहे, लोग पैसा देख रहे हैं। सब कुछ उनसे पूछने की बात है कि इतना पैसा वो मांग रहे हैं, इतना पैसा अगर वो कॉलेज में लगाए तो हमारा कॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। वो ये बात क्यों नहीं समझते? अब मैं आपसे यही अनुरोध कर सकती हूँ कि प्लीज, अब जो भी हो आप हो, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके बिना मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकती भाइयों। आप प्लीज मेरे सभी साथ आए और मेरे को परसों वोट दिलाने में मेरी हेल्प करें। सभी यूं बोलते हैं कि कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, आपके पास क्या है क्या नहीं है। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं किसी को नहीं बेच सकती कि गाड़ी लेकर आएंगे आपके पास और आप वोट डालने आना। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है। आपको मेरी मेहनत दिखती है ना, तो प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो आप मेरे को वोट करें और मेरा साथ दें। मेरे को सिर्फ साथ की जरूरत है, मुझे बड़ी राजनीति करनी नहीं है। मैं कभी से ही, मैंने यही बोला था भाई को भी कि भाई हम राजनीति नहीं करेंगे, तो भाई भी बोलता नहीं हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सपना है पापा का वो पूरा करेंगे, और इस कॉलेज में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो हम करवाना चाहेंगे। कॉलेज को एक नए स्तर पे लेके जाएंगे, जो कि अब थोड़ी जो भी कमी है वो हम पूरा करने की कोशिश 2-3 सालों से करते आ रहे हैं और हम करेंगे। हम यूं नहीं बात कह के छोड़ देंगे, कह के नहीं छोड़ेंगे, हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कदम से कदम मतलब मिला के चलेंगे हम। कभी कभी हमने मना नहीं किया, जैसे हमने जब NSUI में थे, हम अब भी हैं उस पैनल के साथ। बात वो अलग है कि उन्होंने हमारा साथ
नहीं दिया। जब भी उन्होंने जहाँ बुलाया हम गए, हमने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा आज यहाँ पे आना है, आज हमारे पैनल का ये है, तो हम गए। जो कहा पिछली बार भी हमने बात मानी उन्हीं उनकी। उन्होंने कहा कि हमें अगर आपको जीतना है तो आपको 1 साल मेहनत और करनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 साल 1 साल और कर लेंगे, हम मजबूत होंगे। तो उन्होंने ये कहा। फिर इस बार आते ही उन्होंने सबने भरोसे कहा कि हाँ जी आप हमारी बहन हो, आपको टिकट मिलेगी, आप सबसे पहले हमारे लिए। सबने यूं बोला। लेकिन बाद में जब टिकट फाइनल हुई तब सब पैसे के पीछे दौड़ गए भाइयों, कोई साथ नहीं रहा। जहाँ पे पैसे दिखे वहां सारे चले गए, क्योंकि समझ लो वो टिकट पैसों से बिक गई। सारी टिकट बिक गई। किसी ने यूं नहीं सोचा कि हाँ उसने संघर्ष किया है। सबने कहा कि उनके पास आपके पास पैसे है क्या, पैसे लगा दोगे क्या, सब ये बात बोलते हैं। समझ पैसे इंसान पैसा बनाता है या पैसे से इंसान बनता है, आप खुद बता दो क्या होता है। पैसा ही सब कुछ है क्या, पैसे पैसे जब इंसान मरता है पैसा साथ लेके जाता है क्या, आप ये बता दो। कोई साथ नहीं, ना तो पैसा साथ लेके आया था ना पैसा साथ लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर ये लोगों का वहम है कि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन भाइयों साफ कह देती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मेरी मेहनत है। मेहनत मेरी अगर आपको दिखती है, मेरी मेहनत देखो, आप उठो देखो कि मैंने क्या मेहनत की है, और मेरे साथ आओ। आप जितना आप साथ आओगे आप ही मेरे को आगे बढ़ाने वाले हो, आप ही मेरे को आगे करने वाले हो। मेरा कोई नहीं है, आप साथ दोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। वरना भाइयों इतनी हिम्मत जो मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए, तो आप भी मेरा साथ दो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे, और एक ये कहना चाहती हूँ सभी। क्या है कि अब जैसे जैसे चुनाव के दिन, परसों जैसे चुनाव है, सारे चुनाव पास आ रहे हैं, तो सभी यूं बोल रहे हैं कि इनके तो घर वाले ही साथ नहीं है। किसने कहा घर वाले साथ नहीं है, किसी ने सुना? बिना बात अफवाह फैला रहे हैं। कम से कम साथ नहीं दे रहे तो अफवाह तो मत फैलाओ। अफवाह फैलाने से क्या होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा अफवाह फैलाने से। लेकिन किसी के लिए अफवाह फैलाना बहुत गलत है। हमें 3 साल हो गए, हमने किसी की अफवाह नहीं अड़ाई। जब जैसे जैसे हमें बोला कि आप वहां जाओ, हम सबके साथ गए। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे मन में कभी किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं था। दोनों भाई बहनों के लिए किसी ने कोई खोट नहीं किया कि वो तो ऐसे हैं। अगर उन्होंने धोखा दे, हमने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर किसी ने हमें धोखा दे दिया तो। हम सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, किसी के चाहे वो हमारे विपक्ष में हो तो भी हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। कभी किसी के बारे में नेगेटिव हमने नहीं सोचा है, और सही बताऊं तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी लेके चलते हैं तभी सारे काम सफल होता है, ये आपको भी पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यही कि आप अपनी बहन को जितना हो सके अपनी बहन को जिताओ भाइयों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और प्लीज मेरे को वोट करो, मेरी हेल्प करो, मेरे साथ आप ही हो, आप ही सब करने वाले हो। अब मैं मेरी मेरी हिम्मत और हौसला भी आप हो। कल डूंगरगढ़ का था हमारा जाड़ी का, कल हम वहां गए तो वहां से मतलब ऐसा हौसला टूटा हमारा कि हम यूं सोचने लगे कि हम हार गए, हम कुछ भी नहीं है। मतलब उन लोगों ने हमें बुलाया, अगर उन्हें साथ नहीं देना था तो वो हमें हमें मत बुलाते। हम उन्हें नहीं कह रहे थे कि हमें समर्थन दो, लेकिन उन्हें बुलाया पहले और फिर हमसे कहा कि इतने पैसे होने चाहिए, तो उतने नहीं है हमारे पास। कोई हमारी मेहनत नहीं देख रहा। मैं सीधी सीधी बातों में ये कहना चाहती हूँ कि कोई मेहनत नहीं देखता यहाँ पे इस राजनीति में, डूंगर कॉलेज की राजनीति में। सिर्फ पैसा बोलता है, जिसका पैसा उसका चुनाव, बाकी सब फेल है यहाँ पे, कुछ नहीं है। इसी मैं
कभी लाइव नहीं आई हूँ, और आज लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि कोई साथ नहीं बचा मेरा, आप सब लोग ही मेरा साथ हो, आपके बिना मैं कुछ नहीं, ज्यादा मैं आप मेरे को सपोर्ट करो प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आप सब भाई बहनों के साथ में चलूंगी, कभी आप जहाँ बुलाओगे हम भाई बहनों को हम आएंगे, जहाँ आप बोलोगे यहाँ पे कदम रखो तो हम वही कदम रखेंगे, आज से पहले भी हमने यही किया है अब भी हम यही करेंगे, हम कभी ना तो बदले थे ना बदले हैं, हम कभी नहीं बदलेंगे, और मैं वादा करती हूँ आपसे कि कभी मेरे से कोई भूल नहीं होगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, बस मेरी इतनी विनती है आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को अध्यक्ष पद के ऊपर लेके जाओ, आपसे ये विनती है, धन्यवाद, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज भाइयों मेरे को माफ कर देना।